हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। मोस्ट वेलकम टू कविता इज हियर यूट्यूब चैनल अगेन। जैसा कि थंबनेल से आपको कंफर्म हो गया होगा कि मेरा रिसेंट टॉपिक क्या है, तो चलिए इसकी एसेंशियल डिटेल कंफर्म कर लेते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर प्रदर्शित है, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, देश भर में विश्वविद्यालय और कॉलेजों में फाइनल ईयर की परीक्षा पर UGC नई गाइडलाइंस के बीच राज्यों के विभिन्न विश्वविद्यालयों ने छात्रों को प्रमोट करने के नीति को अमल करना शुरू कर दिया है। 3 जुलाई गुरुवार को कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर स्टूडेंट्स को इंटरनल असेसमेंट और पिछले सेमेस्टर की परीक्षा के आधार पर प्रोन्नत करने का फैसला किया है। इस नियम में 20% अंक छात्रों को उनके इंटरनल असेसमेंट और 80% अंक पिछली परीक्षा के आधार पर दिए जाएंगे। इसी प्रकार फाइनल ईयर सेमेस्टर लाइक दैट BA BSc पार्ट थर्ड और BCom पार्ट थर्ड पुरानी शिक्षा पद्धति में पिछले 2 सालों के मार्क्स का बेस्ट एग्रीमेंट परसेंटेज से 80% मार्क्स दिए जाएंगे, जबकि इंटरनल असेसमेंट से 20% मार्क्स दिए जाएंगे। UGC की गाइडलाइंस का इंतजार कर रहे छात्रों को जल्द ही राहत देने वाली खबर मिल सकती है। इसी बीच देश की प्रतिष्ठित परीक्षाएं लाइक JEE मेन और नीट 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से 30 अगस्त तक स्थगित करने का फैसला किया गया है। ये परीक्षाएं अब जी मेन 1 सितंबर से 5 सितंबर तक, JEE एडवांस 27 सितंबर को और नीट 2020 का आयोजन 13 सितंबर को किया जाएगा। काफ़ी समय से JEE और NEET के छात्रों द्वारा परीक्षाएं स्थगित कर नई परीक्षा तिथियां घोषित करने की मांग की जा रही थी। इससे 3-4 दिन पहले 29 जून को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्वविद्यालय परीक्षा पर बनी समिति ने सभी परीक्षाओं को रद्द कर छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने की सिफारिश की थी, जिसे राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया था। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों की परीक्षा व रिजल्ट की रणनीति बनाने का मंथन अंतिम चरण में है। इसी सप्ताह या अगले सप्ताह छात्रों को इस बारे में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। वहीं कहीं विश्वविद्यालय और स्नातक परास्नातक फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स UGC की नई गाइडलाइंस के इंतजार में हैं। UGC की नई गाइडलाइन में फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को पास करने के किसी फार्मूले का सुझाव आ सकता है, क्योंकि इससे पहले मई में जारी की गई गाइडलाइंस में UGC ने फाइनल की परीक्षाएं कराने पर ही जोर दिया था। आपको बता दें कि UGC के अधिकारी पहले ही संकेत दे चुके हैं कि एकेडमिक सेशन 2020-21 और फाइनल ईयर परीक्षाओं के बारे में UGC जल्द ही नई गाइडलाइंस जारी करेगी। तो उम्मीद है आपकी उत्सुकता काफ़ी हद तक समाप्त हो गई होगी। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही एजुकेशनल अपडेट्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ, ताकि ऐसी अपडेट्स की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।